नमस्कार, आदर, आभार, अभिनंदन, जोहार, सत श्री अकाल। आपका पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेजर लाइफ स्टाइल से। तो आज आप पहुँचे हैं अपने सोन नदी के तटीय इलाके में और हम अभी अवस्थित हैं सोन नदी के ठीक बीचों बीच। और पिछली बार जब हम आए थे तो पानी का जल स्तर थोड़ा सा बढ़ा हुआ था और जल स्तर बेहद ही सीमित कम, यहाँ तक कि सूख गया है। और ये एक देसी परंपरागत नाव है और इस देसी परंपरागत नाव का आवागमन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपके समक्ष है। ये आदिकाल से ये लकड़ी की नाव है जो जल मार्ग द्वारा इसे आवागमन की सुविधा में उपयोग किया जाता है। और ये पूर्णतः लकड़ी द्वारा ही निर्मित है, आप देख पा रहे होंगे। और मुख्यतः प्रातःकालीन मैं भ्रमण इसलिए करता हूँ, परिभ्रमण, कि इसे एक सकारात्मक शारीरिक ऊर्जा का निर्माण होता है। और जो आदमी हो तो हम लोग होते हैं वार्म अप हो जाते हैं, कुछ शांति सुकून के लिए दो पल अगर अनुभव का प्राप्त लेना है तो बिल्कुल एक सुखद अनुभव की अनुभूति होगी। आप बिल्कुल अगर आपके आसपास भी किसी प्रकार का कोई तालाब, नदी या इस तरह की कोई सौंदर्यकरण जगह, टूरिस्ट स्पॉट है, तो बिल्कुल आप भी वहाँ जाइए। और इस सुखद अनुभूति का आनंद उठाइए। जैसे कि ये जो लोहे की आप वस्तु देख रहे हैं, इसमें पांच जो तीर जैसे जो आकार बने हुए हैं, असल में ये एक लंगड़, स्थानीय बोलचाल की भाषा में इसे कहा जाता है, ये नावों को रोकने, इसे रोकने में प्रयोग किया जाता है ताकि नाव स्थिर रहे, ठहर जाए। कहीं नाव को अगर किनारे पर लाना हो तो इस लंगड़ को फेंक कर नाव रोकी जाती है। इस लंगड़ से जुड़ा हुआ एक आप रस्सी भी, मोटी रस्सी भी देख रहे हैं जो नाव से बंधी हुई है, ये रहा। तो इसे नाव की गति को रोकने में काम आता है, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बड़े शहरों में जो समुद्रीय तटीय इलाकों में जो बीचेस होते हैं, जो समुद्र के तट होते हैं, वहाँ की जो खूबसूरती है होती है, कुछ इसी तरह का ग्रामीण परिवेश में भी नदियों की खूबसूरती भी होती है। इसे ग्रामीण बीजेस कह लिया जाए, नदियों का तट स्थल जो किसी भी रूप से बीजेस से कम नहीं। इसकी सौंदर्यीकरण बिल्कुल मन को आनंदित, विभोर कर देती है। कुछ आपको दूर 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 से भैंसे दिखाई पड़ रहे होंगे जो आसपास के जो इसमें घास हैं उन्हें ये चरने जा रही हैं। बहुत दूर दूर तक फैला हुआ मानो ऐसा प्रतीत होता है ये गांव का समंदर हो। तो निश्चित तौर पर प्रातःकालीन का भ्रमण का जो आनंद है वो एक अलग तरह की ही शांति सुकून की अनुभूति प्राप्त होती है हमें। धन्यवाद। ये नदी का तटबंध है और नदी के हम धीरे धीरे ऊपर पहुंच रहे हैं। ये बहुत ही ऊंची है और जब वर्षा ऋतु में जब नदियाँ सामान्यतः रूप से
एक छोर से दूसरी छोर तक भर जाती हैं। तब पानी मैं बता दूं कहां तक आता है, पानी यहां तक आता है जी। ये जो देख रहे हैं इस सड़क तक पानी को छू जाता है। तो आप पहुँचे हैं एक कृषक भाई के खेतों में, और ये जो यहाँ जो खेती होती है हमारे गांव के ग्रामीण परिवेश में, ये मैं बता दूं पूर्णतः कीटनाशक रहित, खाद रहित और बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक ताज़ी सब्जियाँ जो कृषक भाई बड़ी ही मेहनत और से अपनी कार्य को निष्पादित करते हैं। एक जवान और एक किसान ही हैं जो हमारे देश को संभाले हुए हैं, हमारी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को गतिमान किए हुए हैं। इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप देख पा रहे होंगे किस तरह फावड़े द्वारा, कुदाल द्वारा, स्थानीय बोलचाल की भाषा में हम लोग इसे कुदाल कहते हैं, इनके द्वारा किसी कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है। और बिल्कुल हरी ताज़ी स्वच्छ सब्जियां हमारे गाँव सहित आसपास के ग्रामीण तबके के लोग बेहद ही सस्ती और उचित दर पर उन्हें सब्जियां उपलब्ध करवा पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि आपको आज गाँव के आसपास के जो खेत हैं और सब्जियां कैसे उत्पादन होती हैं उनसे आपको रूबरू करवाया जाए। सामने भिंडी फली हुई है, फल तो लिए हैं भिंडी में, देख रहे हैं इनकी सुंदरता, मानो कल कल पीली पीली इनकी फूल कलियां कुछ कहना चाह रही हूँ। और इधर जिसे हम लोग तोरी बोलते हैं, आप लोग तो खैर तोरी बोलते होंगे लेकिन हम लोग अपने स्थानीय बोलचाल की भाषा में इसे नेनुआ बोला जाता है। भिन्न भिन्न राज्यों में, भिन्न भिन्न प्रदेशों में अलग अलग नाम से इसे जाना जाता होगा। तो यही था फ्रेंड्स कि आपको थोड़ा आज आसपास के जो गांवों के कृषि कार्यों के निष्पादन में बारे में दिखाया जाए। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। इधर भी चारों तरफ सब्जियों की यहाँ कृषि होती है, खेती होती है।